हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी तकरीबन तो हो रहे हैं 2:15 यहाँ के। और आज माशाल्लाह से 27वां रोजा है। ऊपर जाके देखते हैं क्या हालात है, और यूजली हम सैरी पहले ही कर लेते हैं ताकि बाद में रोले ना हो। तो अभी करते हैं इसको बंद। तो भाई बालों को इग्नोर करना, और आज के व्लॉग में मैं आप लोग को बताने लगा हूँ क्या होता है आलू का पराठा, आप किस तरह बना सकते हैं। मैंने दो आलू जो हैं बॉयल होने के लिए रख दिए किचन के अंदर, और अभी हम यह करेंगे बाकी चीज़ों की सेटलमेंट मसाले वगैरह की। तो सबसे पहले देखते हैं, मसाले निकालते हैं, और फिर जो है सबसे पहले हमें एक प्याज चाहिए, क्योंकि प्याज का तड़का थोड़ा सा ज़रूरी होता है, मुझे अच्छा लगता है। इसको कटिंग करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ। और ये एक न्यू रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है आलू के पराठे बनाने की। तो भाई मैंने प्याज इसमें शिफ्ट कर दिए थे, अब इसमें हमने बनाना हल्का सा गरम मसाला, और सारे खड़े मसाले वहाँ पड़े हुए हैं, इन सबको इधर क्रश करना है अच्छे तरीके से। मैंने इसमें डाले हैं ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं, ठीक है, इन नाम नहीं आते, और थोड़ी सी जो है सौंफ और ज़ीरा। सौंफ और ज़ीरा पता नहीं क्या था, पता सा था, हमें नहीं समझ आता, बस नहीं आता तो नहीं आता। खैर, इनको करते हैं क्रश। क्रश करने के बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो भाई इसको क्रश करने के बाद इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने, और मैं कोई जो है प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मतलब कुकिंग कुकिंग नहीं खोली मैंने, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। इसमें हम डालेंगे चिकन क्यूब एक। भाई यहाँ पर हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं, और उधर जो है क्या कहते हैं, अभी हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि आलू के अंदर खट्टे अच्छी तरीके से आ जाए। आलू को भी बाद में हल्का सा फ्राई करेंगे, ये मेरी अपनी रेसिपी है, ठीक है, तो प्लीज़ जज मत करना। मैंने इनको रुपये रोस्ट करने के बाद यहाँ पर रख दिया, और जो है अब चलते हैं। मैंने रोस्टेड किया था वो इसके अंदर डाल दिया हमने, और इसको हल्का सा फ्राई किया है हमने, बिल्कुल हल्का सा, और पोटैटो सारे मैश कर दिए। अब चलते हैं फिलिंग की तरफ जो हम करेंगे रूम के अंदर। तो भाई आटा गूंदने का हमने रौला पाला है नहीं, हम डायरेक्ट ये वाली रोटियाँ उठाएंगे, ये फिलिंग है, और हम इसके अंदर इसको फिलिंग को डालेंगे। अब लाल मिर्ची पाउडर वैसे मैंने डाल दिया था, आप लोगों को बताया नहीं था ब्लॉग के अंदर। तो भाई दोनों को हमने फिलिंग करके पैटी बना दी है, इन लोगों का अब जाएंगे फ्राई होने के लिए। लाल भाई कम टू योर जॉब। दिस इज व्हाट इट लुक लाइक्स, हाफ करो और खाओ मजे से। तो भाई ये पराठा अपना रेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने बनाया तो 11 out of 10 सही है ना। और यहाँ पर चीज़ें वैसे मिलती नहीं है बने, तो हमने क्या जुगाड़ जुगाड़ लगा लगा कि हमने सारी चीज़ें बनाई। तो भाई सैरी वगैरह कर ली, नीचे आ गया था मैं, मिलते हैं तुम लोगों से सुबह उठकर। तो तब तक के लिए तुम लोग भी जाके नमाज वगैरह करो, ठीक है। खैर अभी टाइम तो खाली 3:30 हो रहा है, लेकिन हमने जल्दी सैरी कर ली है। हम ऐसे ही करते हैं कभी कभी ना, जल्दी सैरी करके मुकाओ काम, कोई रौला नहीं, ठीक है। तो तुम लोग भी जाके सो जाओ, सैरी करना जो करो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कल 27वां रोजा है, बाकी कुछ दिन है ईद में, ईद का भी व्लॉग आएगा, बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है। और हाँ, मेरी एक चीज़ पे वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह वो अगर ईद तक पूरा हो जाता है तो ईद पे एक स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए रिलीज करूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। मिलते तुम लोगों से सुबह उठ के। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। रोज़े में यूनिवर्सिटी आखिरी आखिरी के रोज़े हैं, अगले हफ्ते तक फिर रोज़े नहीं होंगे, फिर से रूटीन सेट होगी। अभी तो कभी आधी नींद में जा रहे होते हैं, कभी सो के नहीं जा रहे होते हैं, कभी उठ के अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, इलाज में हमारे दोबारा लाश बनने पड़े जिंदा। यूनिवर्सिटी खाली होकर आके सो रहे थे, और अभी शाम को मेरे हिलाल भाई की फरमाइश पे जो है चिकन और आलू का जुगाड़ी पराठा बन रहा है, जो आपको सुबह सहरी मिलती रहती है।
आज हम शाम को चिकन और आलू का जुगाड़ी पराठा बनाए लगे। पीछे कैमरा मैन ने बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूँ मैं, जैसा भाई को बड़ी मुश्किल से राजी करके लाया हूँ, प्लीज ब्लॉग कंटिन्यू कर दे। तो जो है अभी हम ये बना रहे हैं, अभी हम चिकन बॉईल किया है, चिकन को हमने छोटे छोटे पीसेस में कर रहे हैं, उसके बाद आलू जो बॉयल के रख दिया है, बाकी यहाँ प्याज यहाँ कट चुकी है और मसाले सारे यहाँ हैं, इन सबको मिक्स करके अच्छा सा मसाला बनाएंगे। एंड में फिर जो है जिसकी फरमाइश तो ये बन रहा है उससे पूछेंगे अगर आपको किस तरह बनाए। तो भाई रोज़ा खुल चुका है और मैंने रोज़ा खोल लिया है, हमारे पास आगे अफ्तारी में है ये एक जले हुए आलू के पराठे, थोड़े से ऊपर जल गए थे, नहीं सही है, और ये चिकन कोरमा, और ये हमारा जुगाड़ है और वो ड्रिंक है। हिलाल भाई का वेट हो रहा है, जल्दी आए तो फिर खाएं। या तो ये बता दे किस तरह बना, खा के एक बाइट खा के बता दे किस तरह बना। खराशो पास हो गया, निकालो पांच मना था। हिलाल भाई रिपोर्ट दें किस तरह बना। बम्बास्टिक। अभी तो भाई रोज़ा अफ्तार वगैरह कर लिया था हम लोगों ने, और हवा तेज़ चल रही है, हवा मज़े की चल रही है, बल्कि ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रही है। अभी हम जा रहे हैं जैसे पाकिस्तान में नाइट में क्रिकेट खेलते हैं लोग, यहाँ पर जो है फुटबॉल का सीन है अभी, तो फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। और एक बैड न्यूज़ ये भी है कि मेरा पाँव इंजर्ड है, लेकिन खैर आई कांट लीव स्पोर्ट्स, माई वीकनेस। अभी जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने, और फुटबॉल ग्राउंड में जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही फुटबॉल ग्राउंड है एक, और सबसे अच्छी बात है अपना हॉस्टल जो है बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो ज़्यादा बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं नाइजीरियन वगैरह वो आउटसाइड रहते हैं, वो कम से कम यूनिवर्सिटी पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं, हमें 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से, और ये सामने ही है फुटबॉल ग्राउंड। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या सीन है आज के, लेट्स गो। तो बस सामने फुटबॉल चल रही है, और मेरे हाथ में हुज़ैफ़ा और हिलाल के जो है क्या कहते हैं जैकेट्स हैं। चलते हैं ज़रा फुटबॉल का सीन चेकआउट करते हैं किस तरह का है। मैं पिछले एक महीने से रेस्ट पे हूँ, मैंने बोला और रेस्ट निश्ता पिश्ता नहीं होता। वो सामने देखो फुटबॉल चल रही है, वो कहता पूरा ग्राउंड है, यस इट्स आल्सो अ टैलेंट, टैलेंट यस, से हाय टू द व्यूअर्स, हाय से हाय, हाय। He is my friend from the Azerbaijan. He lives near in the Aliabad. What's your name, bro? Samir. Samir, yes, his name is Samir. Samir Pakistan mein common name hai. वगैरह खेल के हम वापस आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं हम सिर्फ वापस देखते हैं, और वॉलीबॉल भी खेलना है तो वॉलीबॉल भी खेलते हैं, और फिर देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी, तो भाई गेम वगैरह खेल के रूम में आ गया हूँ मैं, बाहर जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे, मेरे काम वगैरह करना था थोड़ा सा, मैं अंदर आ गया हूँ। तो मुझे पता ब्लॉग छोटे छोटे आ रहे, लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर ले, ठीक है, बड़े ब्लॉग्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग्स को, व्लॉग को एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल, और इस साल का एम जो हमने रखा था प्लीज भूलना मत, प्लीज मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ईद आने में कुछ दिन ही बाकी है, ईद पे जबरदस्त सारा व्लॉग आने लगा है, और मैंने एक चीज पर वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा ईद तक, दुआ है, ठीक है, एक एडिटिंग वगैरह सब हो जाए। Meet in the next vlog. Khair rakhiye apna.